नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन से जुड़े महत्वपूर्ण MCQ सभी जुडिशियरी एग्जाम तथा कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप JLO का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। परंतु दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, इंटरप्रिटेशन से जुड़े महत्वपूर्ण MCQs के अंतर्गत आज हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59। इससे पहले के वीडियो हमने पहले बना दिए हैं, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का कि विवक्षित शक्तियां होती हैं, तो विवक्षित शक्तियां संविधान में प्रदत्त सामान्य शक्तियों के साथ साथ विवक्षित शक्तियां होती हैं। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के निर्वाचन करते समय निम्न में से किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है? तो प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर है द, अर्थात आच्छादन का सिद्धांत, सार तत्व का सिद्धांत और छदम विधायन का सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है जब संविधान का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्व संविधान विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होंगी जिस तक वह मूल अधिकारों से असंगत है। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही अधिकारों से असंगत है, ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं, वरन मूल अधिकारों के प्रवर्तित होने के कारण मृतप्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। आच्छादन के सिद्धांत के अंतर्गत संविधान पूर्व की जो विधियां हैं, जो संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होती हैं जिस तक कि वह मूल अधिकारों के असंगत है। ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती, परंतु यदि वह मूल अधिकारों से असंगत होती हैं तो उन्हें शून्य मान लिया जाता है। मूल अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वह मृतप्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता। यह आच्छादन का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी अधिनियम का कोई भाग वैधानिक एवं दूसरा भाग अवैधानिक होता है तथा ऐसे दोनों भागों को आसानी से पृथक किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में असंवैधानिक भाग को अवैधानिक एवं वैधानिक भाग को वैधानिक घोषित किया जाना, लेकिन दोनों भाग एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते, तो संपूर्ण अधिनियम अवैधानिक घोषित किए जाने योग्य हो जाता है। यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार जब कोई अधिनियम का कोई भाग जो कि वैधानिक है और कुछ भाग अवैधानिक है, ऐसी परिस्थितियों में यदि उन्हें आसानी से अलग किया जा सके तो उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण अधिनियम को ही अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह पृथक्करण का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जब संघ या केंद्रीय विधायिका किसी विशिष्ट विषय पर विधि बनाती है और उस प्रकार उस क्षेत्र पर दखल देती है, तो राज्य विधायिका उस क्षेत्र पर विधि निर्माण का कोई अधिकार नहीं रखती। यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत 63 का सही आंसर होगा बी, अर्थात दखलकृत क्षेत्र का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है कि जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह आप परोक्ष रूप से भी नहीं कर सकते,
अर्थात जो चीज डायरेक्ट नहीं कर सकते उसे इनडायरेक्ट रूप से भी नहीं किया जा सकता, यह सिद्धांत छद्म विधायन का सिद्धांत कहलाता है। 64 का आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक निर्णय दूसरे निर्णय को भविष्य का निष्प्रभावी बनाता है तो इसे कहते हैं, 65 का सही आंसर होगा ए, अर्थात भविष्य लक्ष्य प्रतिदेश का सिद्धांत। अगला प्रश्न है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से पूछा गया है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा आच्छादन के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो 66 का सही आंसर होगा ए, अर्थात भिखाजी बनाम मद्रास राज्य का जो वाद था उसमें आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। आच्छादन का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है, तो 67 का सही आंसर होगा बी, अर्थात आर्टिकल 13 पर यह आधारित है, आर्टिकल 13(1) आच्छादन का सिद्धांत भिखाजी वर्सेस मद्रास राज्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाद पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित है, तो 68 का सही आंसर होगा स, अर्थात रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य के संदर्भ में पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा 69 का सही आंसर है बी, अर्थात वशेषनाथ वर्सेस आयकर आयुक्त के मामले में कहा गया कि मूल अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते। अगला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता, यह कौन सा सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर होगा अधित्याग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट ने भविष्यलक्षी विनिर्णयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो कौन से वाद में भविष्यलक्षी विनिर्णयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, 71 का सही आंसर होगा स, अर्थात आईजी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के संदर्भ में भविष्यलक्षी विनिर्णयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, तो 72 का सही आंसर होगा द, अर्थात तत्व एवं सार का सिद्धांत, यह आर्टिकल 13 से संबंधित नहीं है। इसके विपरीत पृथक्करण का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत, यह तीनों सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि अधिव्यजन करना अनुज्ञेय है, तो 73 का सही आंसर होगा ए, किसी भी मूल अधिकार का नहीं। 74वां प्रश्न है कि ग्रहण का सिद्धांत प्रयोज्य है, 74 के सही आंसर होगा केवल पूर्व संविधान विधियों पर। पिछहत्तरवां प्रश्न है कि जिस काम को आप प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे आप परोक्ष भी नहीं कर सकते, यह कथन संबंधित है, यह सिद्धांत आभासी विधायन का सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत से संबंधित है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी का मामला, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद
क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत से संबंधित है, तो 77 का सही आंसर होगा बी, अर्थात आर्टिकल 245 ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद तत्व और सार के सिद्धांत से संबंधित है, तो 78 का सही आंसर है ए, अर्थात प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ खुलाना, ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद छदम विधायन के सिद्धांत पर आधारित वाद है, तो कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य का जो मामला है वह छदम विधायन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, तो सार और तत्व का जो सिद्धांत है वह संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित वाद है। दोस्तों आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।